हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन का लेक्चर नंबर 19। इससे पहले हम लेक्चर 18 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्वेक्स सेट पढ़ा था, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन, कुछ थ्योरम्स एग्जाम्पल्स पढ़े थे। उसके बाद कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़ा था, कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़ा था, उसके कुछ थ्योरम्स एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें भी हम एक थ्योरम लेंगे। थ्योरम है हमारे पास, लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी ओपन कॉन्वेक्स सेट इन आर एन। लेट एफ कोई फंक्शन है एस टू आर, बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऑन एस देन एफ इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ डेल स्क्वायर एफ एक्स इज सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। यानी हमारे पास फिर इस थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम हमारे पास ये कह रही है कि एस कोई नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट है और फंक्शन एफ जो है वो एस टू आर में डिफाइन है, नॉन एम्प्टी सेट कॉन्वेक्स सेट से आर में डिफाइन ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ कॉन्वेक्स होगा इफ एंड ओनली इफ। अगर एफ कॉन्वेक्स है तो डेल स्क्वायर एफ एक्स जो है वो सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट होना चाहिए, और डेल स्क्वायर एफ एक्स सेमी पॉजिटिव डिफाइनाइट है तो उस कंडीशन में एफ है कॉन्वेक्स होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, इससे पहले की जो दो वीडियो हैं यानी लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 17 कुछ ज़रूर देखें, जिसकी हेल्प से इस थ्योरम को आसानी से समझा जा सकता है। पहले हम देखते हैं कि सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज सेड टू बी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इफ एक्स ट्री एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या इसको यहां लिख सकते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एच, या इसको लिख सकते हैं हम एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारे पास कंडीशन है कि एच कोई वो मैट्रिक्स जो होगा सेमी पॉजिटिव मैट्रिक्स होगा अगर इस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पे हमारे पास डेल स्क्वायर एफ एक्स क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ एक्स जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वन स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स वन डेल एक्स टू डॉट डॉट चलते हुए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स एन, उसके बाद डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स टू स्क्वायर चलते हुए डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स टू डेल एक्स एन, इसी तरह से चलते हुए यहाँ से आएगा डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स वन डेल एक्स एन डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स टू डेल एक्स एन चलते हुए डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स एन स्क्वायर। तो फिर इस तरह से डेल स्क्वायर एफ एक्स को डिफाइन किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स थ्योरम का प्रूफ करते हैं यहाँ से। थ्योरम, लेट एफ बी कॉन्वेक्स ऑन एस। अब हमने पहले एज्यूम किया कि एफ जो है कॉन्वेक्स ऑन एस है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, बी नीड टू शो दैट, हमें क्या शो करना होगा, नीड टू शो दैट एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये शो कर देते हैं तो उस कंडीशन हम कहेंगे जो जो एफ है जो सॉरी जो फंक्शन है
डेल स्क्वायर एफ एक्स जो है वो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। हमें इसको सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए इसको एक्स ट्रांसपोर्ट डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूव करना होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? नाउ सिंस एस इज ओपन सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एन देयर एग्जिस्ट लैम्डा बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट हमारे पास क्या होगा एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि एस ओपन है तो हमारे पास एक लैम्डा इस तरह से मिल जाएगा कि एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू एस करेगा, जहाँ पर जीरो लेस देन लैम्डा लेस देन लैम्डा बार। अब फ्रेंड्स हम कॉन्वेक्सिटी की हेल्प लेंगे और कॉन्वेक्सिटी की हेल्प के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट थ्योरम इससे जो जस्ट पहले जो थ्योरम पढ़ी थी मैंने आपसे बोला था, लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में एक प्रूफ किया था, वो प्रूफ किया था हमारे पास डेल एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो फ्रेंड्स इसकी हेल्प करेंगे हम, इसकी हेल्प लेंगे। ये एक थ्योरम हमने प्रूव की थी कि ये कॉन्वेक्स हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका हम हेल्प लेंगे। तो हमारे पास इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, डेल एफ एक्स इसका सॉरी ट्रांसपोज था वहाँ पे एक्स बार ट्रांसपोज एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स माइनस एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स माइनस एफ एक्स बार। तो फ्रेंड्स इस जो हमने फर्स्ट इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने ये प्रूव किया था, उसकी हेल्प से हमने ये लिखा है। इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। अब आते हैं सिंस एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, पहले दिया हुआ है कि एफ जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो फिर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 15 या 16 में हमने पढ़ा था, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर एफ कोई ट्वाइस डिफरेंशिएबल कॉन्वेक्स फंक्शन है तो एफ एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स को किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बार प्लस डेल एफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स प्लस वन बाई टू एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस बीटा एक्स बार लैम्डा एक्स मोड ऑफ लैम्डा एक्स का स्क्वायर, वेयर बीटा एक्स बार लैम्डा एक्स टेंस टू जीरो एज एक्स टेंस टू जीरो। ये हम फ्रेंड्स लिख चुके हैं, यहाँ पहले हम पढ़ चुके हैं ये यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स बराबर एफ एक्स बार प्लस डेल एफ एक्स बार ट्रांसपोज प्लस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर एफ एक्स है और यहाँ पे फिर एक्स सॉरी लैम्डा एक्स बार का ट्रांसपोज और लैम्डा एक्स यहाँ पे आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर दो बार बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन टू एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एंड एक्स, ये हो गया हमारे पास। इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म जो है बीटा वाली टर्म को हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया है, क्योंकि ये जीरो तरफ टेंड्स कर रही है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर टू पुट कर दिया। अब फिर इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर वन को हम अच्छे से देखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एफ एक्स बार ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर वन को हम लिख रहे हैं यहाँ से, और एक्स बार से एक्स बार कट जाएगा, ये बच गया हमारे पास लैम्डा एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स बार प्लस लैम्डा एक्स, यहाँ पे भी फ्रेंड्स यही है हमारे पास, यहाँ पे ये लैम्डा एक्स था तो ये लैम्डा एक्स है, यहाँ पे भी ये हुआ लैम्डा एक्स सॉरी प्लस एफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स माइनस एफ एक्स बार, ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम कंपेयर करें, इस टर्म को अगर हम अच्छे से कंपेयर देखें, तो इसको क्या लिख सकते हैं,
पहले हम इस इक्वेशन में जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू में। तो इक्वेशन नंबर टू क्या कह रही है हमारे पास, इस साइड को हम पूरी इधर ले जा रहे हैं, तो एफ एक्स बार प्लस लैम्ब्डा एक्स माइनस एफ एक्स बार माइनस लैम्ब्डा डेल एफ एक्स बार ट्रांसपोज एक्स जो है इक्वल टू वन अपॉन टू लैम्ब्डा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स डॉट एक्स, ये इस तरह से है फ्रेंड्स हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास, अब इस टर्म को देख रहे हैं हम सेकंड वाले इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट वाले इक्वेशन की हेल्प से। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को इधर ले जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स बार प्लस लैम्ब्डा एक्स और ये हो गया माइनस एफ एक्स बार माइनस, इस टर्म को हम इधर ले गए हैं, तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ एक्स बार ट्रांसपोज लैम्ब्डा एक्स। तो यहाँ पे इस टर्म को इधर ले गए तो जीरो ये हो गया, मतलब जीरो से बड़ा है ये नंबर। तो फ्रेंड्स ये नंबर जीरो से बड़ा है, तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू, क्योंकि ये नंबर इसके इक्वल है, बट ये नंबर जो कह रहा है कि जीरो से बड़ा या बराबर है, तो ये इसका मतलब ये नंबर जो है वन अपॉन टू डेल स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट लैम्ब्डा स्क्वायर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास एक्स ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हो गया हमारे पास जो डेल स्क्वायर एफ एक्स है सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है, ये हो गया डेल स्क्वायर जो एफ एक्स है वो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है। फ्रेंड्स यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, अब हम सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, लेट डेल स्क्वायर एफ एक्स इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट ऑन एस, ये हमने एज्यूम किया कि जो डेल स्क्वायर एफ एक्स पे जो एफ ये है डेल स्क्वायर एफ एक्स जो है वो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है ऑन एस, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, मीन वैल्यू थ्योरम होती है फ्रेंड्स एफ एक्स बार बराबर एफ एक्स बार बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास एफ एक्स बार प्लस डेल सॉरी एक्स कैप है ये एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार प्लस डेल स्क्वायर एफ एक्स कैप एक्स माइनस एक्स बार प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल टू एक्स माइनस एक्स बार का ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार, वेयर जहाँ पे हमारे पास एक्स कैप बराबर क्या होता है लैम्ब्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्ब्डा एक्स कैप, जीरो लेस देन इक्वल टू लैम्ब्डा लेस देन वन, और एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसको सेमी पॉजिटिव डेल स्क्वायर एफ एक्स को सेमी पॉजिटिव डेफिनेट माना है, तो डेल स्क्वायर इसको डेफिनेट माना है, तो हर एक्स के लिए सेमी पॉजिटिव डेफिनेट ये कहता है कि ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी हर एक्स के लिए, तो हर एक्स के लिए इन एक्स के लिए भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो हमने ये मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो फ्रेंड्स इस टर्म को हम हटा देते हैं, तो इस टर्म को हमने हटा दिया, तो इस टर्म को हटा दिया तो हमारे पास ये कौन सा साइन आ जाएगा, इस एक टर्म को हटाया तो ये जो साइन पहले इक्वल टू साइन है, अब हमने पॉजिटिव नंबर को हटा दिया तो ये नंबर को छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया एफ एक्स बार माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी एक्स एफ एक्स बार माइनस ये कैप था एक्स कैप माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू डेल एफ एक्स बार एक्स कैप माइनस एक्स बार। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी कॉन्वेक्सिटी कंडीशंस, जो कॉन्वेक्सिटी कंडीशन हमने लेक्चर नंबर 17 में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 17 या 18 में, उसमें हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फंक्शन जो होता है कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ से हम कह देंगे जो फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है।
तो इस तरह स्मिथ से थ्योरम प्रूव हो जाती है। अगर आपको इस थ्योरम में कहीं डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप भी करना है। कॉल व्हाट्सअप नंबर है 9460689761 और मेरी मेल आई डी है वो है HITESHMEENA0155@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स।